Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor, Marine Engineering Lectures. This is our fifth lecture on Marine Steering Gear on board ships. In this lecture, we will going to discuss about one of the generally asked questions in MEO class 4 oral exams and frequently asked questions in TME interviews. And our today's topic is what is rudder drop and rudder hunting and what are its consequences. हम आज इस टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज जंपिंग क्लियरेंस, जंपिंग क्लियरेंस कितनी होती है, इन सारे टॉपिक्स पे बात किया था. एंड लास्ट टू लास्ट हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज टू रैम स्टीयरिंग गियर सिस्टम, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टीयरिंग गियर सिस्टम, सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ रडर थ्योरी एंड सम इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. Today's lectures is all about what is rudder drops, rudder hunting and its consequence. And last to last lectures हम लोगों ने पढ़ा था what is two rem steering gear system and how does it works. हम इस topics पे अब हमारी third lectures हमारी इस topics पे थी. तो इसे फिर से हम refresh करते हैं, means quick revisions करते हैं. तो हमारी क्या होती है two rem steering gear systems में हमारी floating rings होती है. Okay, floating ring होती है which consists of L1 and L2. मैंने आपको ये सारी चीजें बताया था. एंड वन इंड ऑफ फ्लोटिंग इज कनेक्टेड विद टेलीमोटर रिसीवर्स एंड अनदर इंड ऑफ फ्लोटिंग रिंग इज कनेक्टेड विद रडर स्टॉक एंड द मिड पॉइंट ओके ऑफ फ्लोटिंग रिंग और समवेयर इन बिटवीन द फ्लोटिंग रिंग देयर इज अ पॉइंट ओके दैट कॉल्ड बी पॉइंट और देयर इज पॉइंट व्हिच इज कनेक्टेड विद पंप ओके. सो नाउ सपोज इफ टेलीमोटर रिसीवर रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम ब्रिजेस ओके से 5 डिग्री पोर्ट और 5 डिग्री स्टर्न. सो अकॉर्डिंगली आवर फ्लोटिंग लीवर एक्चुएट्स एंड दैट L1 इज चेंजेड इनटू L2 सॉरी दैट L1 इज चेंजेड इनटू L1 डैश ओके. सो आफ्टर दैट L2 इज चेंजेड इनटू L2 डैश. सो इफ L2 इज चेंजेड इनटू L2 डैश देन सम फ्लूइड इज जनरेटेड और वी कैन से सम पंप स्ट्रोक लीवर इज पुश्ड इनटू द पंप एंड हेंस पंपिंग ऑफ ऑयल टेक्स प्लेस. सपोज इफ ऑयल is pumped into LHS. Okay, if oil is pumped into LHS, then movement of this sliding ram is from LHS to RHS. इतने सारे हम लोगों ने concept discuss किया था. But now, you may observe here, there is pin, this pin is clamped on the sliding ram. ये जो हमारी pin है, ये हमारी sliding ram पर हमारी क्या है? Clamped है. So if sliding is sliding ram or if there will be the movement of sliding ram from LHS to RHS then definitely pin also rotates or moves. So if pin moves then tiller moves. Means what? Pin is driving a tiller. Okay, pin is which is responsible to drive the tiller. Okay, तो हमारे tiller and pin में there is a linear motion between tiller and pin. Okay, and that tiller is connected with rudder stock. Okay, so if tiller rotates, definitely rudder stocks rotates, and if rudder stocks rotate or moves, then definitely rudder moves. Either it is port side or in stern port side, according to what telemotor receives signals from bridges. Okay, इतनी आपको clear है? Means हमारी connectivity आपको clear है? ये मैंने आपको jumping clearance में भी आपको connectivity समझाया था. हमारी connectivity क्या है? Okay, हमारी connectivity क्या अगर हमारी स्लाइडिंग रैम अगर मूव होगी तो हमारी पिन क्लैंप्ड है, पिन भी हमारी मूव होगी, पिन मूव होगी तो हमारी टिलर आर्म मूव होगी, टिलर आर्म मूव होगी तो हमारी रडर स्टॉक मूव होगी, रडर स्टॉक मूव होगी तो हमारी रडर मूव होगी. इतना आपको क्लियर है ना? तो आप यहां पर देख रहे होगे ये जो हमारी पार्ट है ओके और ये हमारी जो टैपर्ड पार्ट है, ये जो हमारी पार्ट है एंड ये हमारी टैपर्ड पार्ट है, ये हमारी क्या है? रडर स्टॉक. इतना क्लियर है ना? ये हमारी रडर स्टॉक है. सी अब आप ये पार्ट जो देख रहे हो, ये पार्ट जो मैंने यहां पर इसकी मैग्नीफाइड व्यू मैंने यहां पर शो किया है, ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये हमारी क्या है? कैरियर रिंग. ये हमारी कैरियर रिंग है ओके. हमारी कैरियर रिंग है एंड कैरियर रिंग बिटवीन कैरियर रिंग एंड रडर स्टॉक ओके हमारी की अरेंजमेंट है. की हमारी क्यों है? बिकॉज सी अब हमारी क्या हो रही है? टिलर हमारी रोटेट हो रही है, टिलर हम तो हमारी क्या होगी? रडर स्टॉक भी रोटेट करेगी ओके. तो हमारी जो टॉर्क ट्रांसमिट होगी रडर कैरियर पे वो हमारी किसके थ्रू होगी? हमारी की के थ्रू होगी ओके. की इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन द टॉर्क, ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क एक्चुअली. की
की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क। ओके, तो हमारी टॉर्क ट्रांसमिशन होगी। मींस व्हाट, ये जो हमारी रडर मींस सॉरी ये जो हमारी कैरियर रिंग है, ये जो हमारी कैरियर रिंग है, ये हमारी रोटेटिंग नेचर की होती है, ये हमारी रोटेट करती है। ओके, रडर स्टॉक रोटेट कर रही है। अगर हमारी रडर कैरियर मींस जो कैरियर रिंग को अगर रोटेट करें तो हमारी कुछ टॉर्क ट्रांसमिट होनी चाहिए। तो वाया रडर स्टॉक हमारी की के थ्रू हमारी टॉर्क हमारी जनरेट होती है हमारी कैरियर रिंग में, एंड देन कैरियर रिंग मूव्स। ओके, मींस रोटेट। ओके, तो ये हमारी कैरियर रिंग होती है। तो जो कैरियर रिंग होती है हमारी रोटेटिंग होती है। ओके, ये कैरियर रिंग हमारी रोटेटिंग होती है। एंड नाउ यू मे ऑब्जर्व हियर दिस रेड कलर। ओके, ये जो हमारी रेड कलर से मैंने शो किया है, ओके, ये हमारी रेड कलर से जो मैंने शो किया है, ये हमारी है बियरिंग, और हम इसे बोलते हैं रडर कैरियर बियरिंग। मींस हमारी रडर स्टॉक हमसे हमारी कनेक्ट है रडर, ये हमारी रडर है, ये हमारी रडर है। मींस रडर स्टॉक से हमारी कनेक्ट है रडर। ओके, एंड रडर हमारी कीड है कैरियर रिंग के साथ, एंड होल पार्ट इज सीटेड ऑन दिस रडर कैरियर बियरिंग। ओके, तो ये हमारी रडर कैरियर बियरिंग है। सो व्हाट इज रडर ड्रॉप? इफ रडर कैरियर गेट्स वर्न आउट, ओके, इफ रडर कैरियर बियरिंग, इफ रडर कैरियर बियरिंग गेट्स वर्न आउट, देन रडर ड्रॉप टेक्स प्लेस। सो बेसिकली व्हाट इज रडर ड्रॉप? ओके, व्हाट इज कॉल्ड रडर ड्रॉप? The worn out of rudder carrier bearing is called rudder drop. ये हमारी rudder drops होती है। कैसे होगी हमारी rudder drop? Because अगर हमारी suppose ये worn out होगी, okay? Suppose मैं इसकी अभी जो thickness है, मैं consider करके चल रहा हूँ, इसकी thickness जो है 20 mm है। And इसकी thickness हमारी किस-किस factors पे depend करती है? Sieves की GRT पे depend करेगी, Sieves की DWT पे depend करेगी, deadweight ton पे, सिर्फ की एलबीपी पे डिपेंड करेगी। ओके, इन फैक्टर्स पे हमारी ये हमारी क्लियरेंस सॉरी ये जो हमारी बियरिंग की जो थिकनेस होती है उस पर हमारी डिपेंड करती है। ओके, सपोज मैंने कंसीडर किया 20 mm। ओके, अब हमारी क्या कहेंगे वर्न आउट ऑफ बियरिंग। ओके, रडर कैरियर बियरिंग मींस व्हाट? मींस हमारी जो मेटल जो होती है बियरिंग मेटल होती है वो हमारी क्या होगी रिमूव हो रही है, वर्न आउट हो रही है। सपोज ये मैंने वर्न आउट कर दिया। ओके, ये मैंने वर्न आउट कर दिया। ओके, अब हमारी क्या होगी, अब हमारी क्या होगी, अब इसकी सपोज मैंने वर्न आउट किया एंड अब इसकी जो थिकनेस हो गई है रिड्यूसेस टू, अब हमारी इसकी थिकनेस हो चुकी है सपोज 10 mm। एंड बियरिंग पे हमारी क्या थी रडर कैरियर सीटेड थी, सेटिंग पोजीशंस पे थी। अगर ये हमारी मेटल रिमूव होगी तो ये जो रडर कैरियर है, ओके, ये जो हमारी कैरियर रिंग है, ओके, ये जो हमारी कैरियर रिंग है वो हमारी क्या होगी ड्रॉप्स डाउन होगी, ये हमारी ड्रॉप्स डाउन होगी। तो हमारी किससे कनेक्टिविटी है रडर स्टॉक से, तो हमारी रडर स्टॉक डाउन होगी एंड लास्टली हमारी रडर डाउन होगी। ओके, इसी फिनोमिना को और ये हमारी कंसीक्वेंसेस भी होती है, इसी को हम रडर ड्रॉप कहते हैं। ओके, अब इसकी कंसीक्वेंसेस क्या होती है हम इस पर बात करेंगे। ओके, नाउ सी मैंने यहां पर क्या बताया, अब हमारी जो थिकनेस थी वो हमारी 10 mm हो चुकी है। नाउ मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको एक कुछ विजुअलाइजेशंस के लिए ओके ये आपको बताया था। सपोज ये हमारी स्लाइडिंग रैम है, दैट इज दिस पार्ट, ये हमारी स्लाइडिंग रैम है। ओके, एंड ये हमारी पिन क्लैंप्ड है। ओके, ये हमारी पिन क्लैंप्ड है, ये हमारी बॉटम टिलर है, ये हमारी बॉटम टिलर है, और आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो ये हमारी क्या है बॉटम टिलर है, एंड ये हमारी बॉटम टिलर है। ओके, एंड ये हमारी टॉप टिलर है,
ये हमारी टॉप टिलर है, गॉट इट? सी नाउ, अब हमारी क्या हो रही है, हमारी जो रडर कैरियर बियरिंग है, ओके, जो हमारी रडर कैरियर बियरिंग है, ये वर्न आउट हो रही है। वर्न आउट मींस रिमूवल ऑफ मेटल्स, ओके, जो भी हमारी बियरिंग मेटल्स है उसकी रिमूवल हो रही है। मींस अब ये हमारी रिमूव होगी तो हमारी कैरियर रिंग क्या होगी, ड्रॉप डाउन होगी, ओके, कैरियर रिंग ड्रॉप डाउन होगी तो हमारी रडर स्टॉक भी ड्रॉप डाउन होगी एंड हमारी रडर्स भी ड्रॉप होगी, ओके, एंड हमारी रडर्स ड्रॉप हो रही है। अब हम रिवर्स जाएंगे, हमारी रडर ड्रॉप हो रही है, हमारी रडर स्टॉक ड्रॉप हो रही है, रडर स्टॉक इज कनेक्टेड विद टिलर, टिलर आर्म अलाइनमेंट, ओके, अब हमारी टिलर आर्म्स ड्रॉप होगी, मींस व्हाट, हमारी टिलर ड्रॉप होगी। अब हमारे यहां पर जो नॉर्मल ऑपरेशंस होती है आप देख सकते हैं हमारी क्लियरेंस है, ओके, हमारी बॉटम क्लियरेंस और हमारी टॉप क्लियरेंस, ओके, तो जो भी हमारी अब क्लियरेंस है, अगर हमारी टिलर ड्रॉप्स होगी तो आप देख सकते हो ये जो अभी हमारी जो क्लियरेंस मेंटेन है, ओके, अभी हमारी डिस्टर्ब होगी, अभी हमारी ड्रॉप हो चुकी है, ओके, मींस अब जो टिलर है हमारी स्लाइडिंग रैम को हिट करेगी, स्लाइडिंग रैम को डैमेज करेगी, अब इससे हमारी स्लाइडिंग रैम बेंड हो सकती है, अगर हमारी परमिशनल लिमिट्स अगर हमारी बेंड होगी तो ऑब्वियसली होल स्टेयरिंग गियर सिस्टम हमारी क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, लीकेज हो सकती है, तो ये सब हमारी कंसिक्वेंसेस होती है। क्या हो रही है, हमारी जो टिलर जो है, अगर हमारी पूरी रडर ड्रॉप्स हो रही है, रडर स्टॉक ड्रॉप होगी, टिलर आर्म ड्रॉप्स होगी, डेफिनेटली हमारी टिलर भी ड्रॉप होगी, एंड टिलर हमारी क्या होगी, स्लाइडिंग रैम पर हमारी जो स्मूथ ऑपरेशंस जो हो रही थी स्लाइडिंग रैम, वो हमारी स्मूथ ऑपरेशंस नहीं होगी, एंड इफ अगर हमारी हैवी डैमेज होगी तो हमारी बेंड भी हो सकती है, ओके, बेंड भी हमारी हो सकती है, लीकेज भी हो सकती है, ओके, तो हमारी कंसिक्वेंसेस नंबर वन थी। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी सेकेंड कंसिक्वेंसेस। सपोज ये हमारी क्या है, ये हमारी रडर स्टॉक है, आप देख सकते हो जो हमारी रडर स्टॉक जो है ये हमारी टैपर्ड है, ओके, एंड ये हमारी टैपर्ड है एंड ये हमारी रडर हब है, आप देख रहे हो ये ऐसे गई हुई है, ऐसे ये हमारी रडर हब है, ओके, एंड ये भी हमारी टैपर्ड होती है, यहाँ पर मैंने मीन्स शो नहीं किया बट यहाँ पर मैंने इसकी मैग्निफाइड व्यू बनाया, तो आप देख सकते हो ये हमारी जो टैपर्ड है मैंने ब्लैक से जो शो किया, ये हमारी रडर स्टॉक है, दिस इज रडर स्टॉक टैपर्ड पार्ट, ओके, एंड नाउ दिस इज रडर हब, आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, ओके, ये पार्ट है डॉटेड से जो मैंने दिखाई है, ओके, तो आप देख सकते हो ये ऐसी पार्ट है, ये ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, ये हमारी जो है ये हमारी रडर हब है, ओके, एंड जो हमारी रडर हब एंड रडर स्टॉक जो है ये हमारी किससे कनेक्टेड है, ये हमारी की से, सो यहाँ पर की वर्क क्या है, ओके, अगेन इट ट्रांसमिट टॉर्क, ये हमारी टॉर्क ट्रांसमिशन के हम लोग की यूज करते हैं, तो जो की होती है ना इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं इसे आपको जनरल डे टू डे लाइफ से अगर मैं आपको बताऊं तो आपके घर में जनरेटर्स होगी या आपने जनरेटर्स देखा होगा, ओके, तो जो हैंड ऑपरेटेड जो जनरेटर्स होती है जिसे हम ड्राइव करते हैं, ओके, तो वहां पर हमारी क्या होती है, जो हैंडल्स होती है जनरेटर्स की, ओके, हमारी क्या होती है, ये जनरेटर्स की हमारी क्या होती है, ये हैंडल होती है, ओके, एंड ये हमारी यहाँ क्या क्या होती है, की होती है, आप लोगों ने देखा होगा हैंड जो जनरेटर्स होती है, ओके, उसकी हैंड जो होती है वहां पर हमारी की होती है, ओके, ये हमारी की है, ओके, नाउ अब हमारे क्या करते हैं, अब हम शाफ्ट को हम टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो सपोज ये हमारी शाफ्ट है, ओके, आप देख सकते हो ओके, ये हमारी शाफ्ट है, सपोज ओके, तो ये जो आप स्लॉट देख रहे हो, ओके, ये हमारी की स्लॉट है, ओके, एंड ये हमारी की है, अब हम क्या करेंगे, ये हैंडल्स को, ओके, हम यहाँ शाफ्ट में फिट करते हैं, ओके, एंड हम क्या करते हैं, उसे रोटेट करते हैं, एंड ये की जो होती है
प्रॉपर तरीके से ये जो हमारी स्लॉट्स होती है ओके उसके अंदर जाती है एंड वो हमारी मैच मींस प्रॉपर हमारी फिटिंग होती है ओके एंड हम जब उसे रोटेट करते तो मींस हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली हम टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं ओके हम टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं। जनरेटर्स क्या होती है, हमें मैकेनिकल सप्लाई करनी होती है एंड वहां से हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हमारी होती है एज आउटपुट आती है। तो जो मैकेनिकल सप्लाई मींस हमारी टॉर्क हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी हो रही है टॉर्क ट्रांसमिशन सॉरी ओके। तो इतनी जो की होती है इतनी इंपॉर्टेंस होती है ओके। सपोज अगर आपकी जनरेटर्स की हटा दो फिर जनरेटर स्टार्ट करके दिखाओ, यू कांट ओके। तो ये हमारी अरेंजमेंट होती है, सेम यहां पर भी हमारी अरेंजमेंट है ओके। यहां पर भी हमारी टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हम लोगों ने की यहां प्रोविजन होती है ओके। इतना आपको क्लियर है। सपोज अब हमारी रडर ड्रॉप हो चुकी है ओके, मींस व्हाट, अब हमारी जो होगी ये जो रडर हब पार्ट जो होगी हमारी ड्रॉप्स डाउन होगी ओके। एंड ये जब हमारी ड्रॉप्स डाउन होगी तो जो हमारी सपोज ओके सपोज अगर हमारी रडर ड्रॉप्स सपोज नॉर्मल ऑपरेशंस पे थी, देयर इज नो रडर ड्रॉप, तो हमारी जो की एंड स्लॉट्स जो थी वो हमारी पूरी फिटिंग थी ओके। सपोज ये जो हमारी की, सपोज ये हमारी की हमारी एकदम फुली फिटिंग थी ओके। सपोज अब हमारी रडर ड्रॉप होगी ओके, तो जो हमारी की स्लॉट एंड जो हमारी की होगी उसमें हमारी क्लियरेंस इंक्रीज हो जाएगी, मींस अब हमारी एरिया जो हो रही है स्लॉट्स एंड की जो कॉन्टेक्ट एरिया वो हमारी डिमिनिश्ड हो रही है, वो हमारी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ओके। अब सेकेंड केस ये हमारी क्या है, रडर ड्रॉप हमारी नहीं, ये हमारी नॉर्मल ऑपरेशन है। सपोज सेकेंड केस अब हमारी रडर ड्रॉप होगी ओके, नाउ इस कंडीशन में हमारी क्या होगी आप देख सकते हो, मीन्स यहां पर अब क्या हो रही है गैप आ गई है, मीन्स अब हमारी जो की होगी टू एंड फ्रो मोशन जो की स्लॉट्स में होगी वो टू एंड फ्रो मोशन मूव होगी ओके। टू एंड फ्रो मोशन हमारी की मूवमेंट होगी। अब इससे हमारी क्या होगी, सपोज अगर हम लोगों ने जो टेलीमोटर रिसीव सिग्नल फ्रॉम ब्रिजेज से मीन्स सपोज हम लोगों ने 2 degree ओके, हम लोगों को 2 degree सपोज स्टार मोड टर्न करनी है ओके। अब यहां पर हमारी क्या होगी लैग कॉन्सेप्ट आती है ओके, और बोल सकते हैं लॉस्ट मोशंस कॉन्सेप्ट आती है। अब हमारी यहां पर क्या होगी, अब हमारी कॉन्टेक्ट एरिया जो हो रही है अब हमारी की स्लॉट्स एंड की डिमिनिश्ड हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है ओके। अब हम सपोज अब हमारी रडर स्टॉक जो होगी हमारी 2 degree स्टारबोर्ड अचीव कर जाएगी, बट हमारी रडर तब तक हमारी रिस्पॉन्ड फर्स्ट केस रिस्पॉन्ड कर ही सकती है एंड रिस्पॉन्ड नहीं भी करेगी। अगर रिस्पॉन्स करती है तो इफ रडर स्टॉक टर्न 2 degree स्टारबोर्ड देन हमारी रडर जो होगी 0.5 एंड मैक्सिमम 1 degree स्टारबोर्ड टर्न होगी। तो हमारी क्या हो रही है लैग, 1 degree की हमारी यहां पर लैग हो रही है ओके। रडर जो हो रही है हमारी लैग हो रही है रडर स्टॉक से। सपोज अगर हम 1 degree इटसेल्फ हम क्या करते हैं पोर्ट ऑर्डर करते हैं तो हमारी रडर स्टॉक जो होगी 1 degree टर्न होगी, बट हमारी रडर जो होगी वो हमारी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो हमारी क्या हो रही है यहां पर कुछ लैग्स आ रही है ओके। हमारी जो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए रडर स्टॉक एंड रडर हमारी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। सपोज अगर हमारी वोटर्स आती है 3 degree पोर्ट तो हमारी रडर स्टॉक क्या हो रही है रोटेट हो रही है, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ओके। रडर स्टॉक्स हमारी मूव हो रही है, अकॉर्डिंगली हमारी रडर भी मूव होनी चाहिए, मींस हमारी दोनों की मूवमेंट सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। बट अब हमारी क्या होगी की स्लॉट्स एंड की हमारी क्लियरेंस आ चुकी है, मींस हमारी जो की है कॉन्टेक्ट एरिया डिमिनिश्ड हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है ओके। तो हमारी ये फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना को हम रडर हंटिंग कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉल्ड रडर हंटिंग। रडर हंटिंग हमारी क्या होगी अगर हमारी सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब होगी
और बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, अगर हमारी कुछ लॉस्ट मोशंस ऑब्टेंड होगी बिटवीन रडर स्ट्रोक्स एंड रडर, तो हमारी रडर हंटिंग होगी। ओके, सेकंड थिंग मैंने क्या बोला, हमारी अगर कुछ क्लियरेंसेस आ रही है, ऑब्वियसली अगर हमारी रडर ड्रॉप होगी, ओके रडर ड्रॉप होगी तो जो स्लॉट्स एंड की के बीच में भी हमारी जो फिटिंग थी वो हमारी डिस्टर्ब होगी, तो हमारी कुछ क्लियरेंस आएगी एंड फिर हमारी की क्या होगी, की स्लॉट्स में टू एंड फ्रो मोशन होगी। ओके, इससे हमारी सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब होगी एंड लॉस्ट मोशन कुछ आएगी, जिसके चलते हमारी रडर्स होगी वो लैग करेगी रडर स्ट्रोक्स। ओके, अगर रडर स्ट्रोक्स 5 डिग्री अगर रिस्पॉन्स करेगी तो हमारी रडर ओनली 2 डिग्री रिस्पॉन्ड करेगी एंड देयर इज लैग ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्रीज की लैग होगी। तो मैंने यहां पर बोला सरफेस है या डिमिनिश्ड हो रही है। ओके, तो ये क्यों हो रही है, सपोज मैंने यहां पर केस लिया, ये हमारी की, यहां पर मैंने ये की यहां पर आएगी एंड हमारी की फिट होती है। ओके, सपोज मैंने यहां पर की जो फोर्सेस की में जो होती है डिजाइनिंग, जब आप डिजाइन कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो हमारी शियर फोर्स टेंसाइल फोर्स होती है। सपोज मैं शियर फोर्स कंसीडर करके चल रहा हूं, तो शियर फोर्स जो हमारी होती है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ओके, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू, ओके तो हमारी जो फोर्स जो होगी वो हमारी टाउ इनटू एरिया होगी। ओके, ये हमारी स्ट्रेस है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड नाउ फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, एंड नाउ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी टॉर्क होती है। ओके, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इनटू ए इनटू सम जो हमारी ये डिस्टेंस जो हमारी आर होगी। ओके, स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो ये हमारी टॉर्क। तो टॉर्क किस पे डिपेंड हो रही है, एरिया पे। ग्रेटर एरिया होगी ग्रेटर टॉर्क ट्रांसमिशंस होगी। ओके, मींस जो हमारी रडर स्ट्रोक्स एंड रडर्स की मूवमेंट बेटर तरीके से सिंक्रोनाइज होगी एंड देयर इज नो रडर हंटिंग। बट हमारी अगर एरिया डिक्रीज होगी, जो हमारी कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन जो की स्लॉट्स एंड की अगर हमारी डिमिनिश्ड होगी तो हमारी ऑब्वियसली ट्रांसमिशंस टॉर्क ट्रांसमिशंस हमारी डिमिनिश्ड होगी, डिक्रीज होगी एंड ये फिनोमेना हमारी रडर हंटिंग होती है। ओके, इतनी क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे जो हमारी रडर ड्रॉप होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल गेज। ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल गेज के हेल्प के थ्रू हम इसे मेजर करते हैं और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है टीएम इंटरव्यू में। ओके, तो हाउ इट इज मेजर हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो जो हमारी ट्रैवल गेज होती है हमारी एल शेप्ड होती है। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो हमारी ट्रैवल गेज होती है एल शेप्ड होती है। ओके, नाउ अब जो हमारी वन इंड एल शेप्ड होगी, अब जो हमारी वन इंड होगी ये हमारी रडर स्ट्रोक्स के साथ कनेक्टेड होगी, मींस हमारी रडर स्ट्रोक्स में डेडिकेटेड पॉइंट होगी वहां पर ये कनेक्ट होगी, मींस वन इंड इज कनेक्ट ऑन द रडर स्ट्रोक, हमारी रडर स्ट्रोक्स पे कनेक्ट होगी एंड वन इंड जो हमारी कनेक्ट होती है वो हमारी सिप्सल और गिर्डर पे कनेक्ट होती है। ओके, इतना आपको क्लियर है ना। सो जो हमारी रडर स्ट्रोक्स जो होती है मेजरमेंट जो होती है, ओके विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल गेज के हेल्प से हम करते हैं मेजरमेंट, तो ये हमारी ड्यूरिंग ड्राई डॉक्स, ओके डॉक्स में हमारी मेजरमेंट इसकी होती है ट्रैवल गेज के थ्रू। सपोज ओके ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जो रेफरेंस मेजरमेंट है, ओके ट्रैवल गेज के थ्रू। सपोज अगर हमारी रडर ड्रॉप्स होती है, रडर ड्रॉप्स मींस व्हाट, वर्न आउट ऑफ बियरिंग मीटर, अगर हमारी बियरिंग मीटर्स वर्न आउट होती है, ओके तो हमारी डेफिनेटली जो कैरियर रिंग होगी वो हमारी ड्रॉप्स होगी एंड हमारी रडर स्टॉक ड्रॉप्स होगी। अगर हमारी रडर स्टॉक ड्रॉप होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो ट्रैवल गेज है वो भी ड्रॉप्स होगी। सपोज हमारी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, ये हमारी पॉइंट वन जो मैं लेता हूं ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी, अब हमारी रडर ड्रॉप हो चुकी है, मींस ये जो हमारी एल सेप्ट है ये भी हमारी ड्रॉप्स होगी ना। अब हमारी इसकी न्यू पॉइंट मैं कंसीडर करके चलता हूं। ओके, ये हमारी न्यू पोजीशन है, ये हमारी न्यू पोजीशन है,
सो अब हमारी रडर ड्रॉप्स क्या होगी, अब जो हमारी रडर ड्रॉप्स क्या होगी, ओरिजिनल वन माइनस टू, दैट इज ओरिजिनल पोजिशन माइनस क्यूब पोजिशन, ये हमारी रडर ड्रॉप होगी दोनों की डिफरेंस, ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रेवल गेज, ये आपको याद रखनी है, ओके, तो ये आज की लेक्चर्स थी, आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दिया हूं, ओके, अगर आपको ऐसा लगता है इस लेक्चर्स में कुछ डाउट हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, एंड मुझे आप बताएं कि आपके लिए लेक्चर्स कितनी इंफॉर्मेटिव थी, आपको इस लेक्चर्स में क्या क्या सीखने को मिला, आपने क्या नई पॉइंट्स सीखा, नई चीजें सीखा, प्लीज कमेंट इट बिलो, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.